दोस्तों कुछ दिनों पहले मुझे कोलकाता जाना पड़ा था किसी काम से, एंड आई गॉट अ चांस टू मीट अबीर लस्कर, द टैलेंट बिहाइंड कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज और नेमो शेविंग डॉट इन. एंड काइंडली इनफ आई रिसीव दिस एज अ सैम्पल. ओके, सो इसको आज हम यूज करेंगे और रिव्यू करेंगे. ओके, सो शेविंग सोप की अगर बात करें दोस्तों, सो आपको पता ही है हमने नेमो शेविंग के या कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज के सोप जो है पहले यूज़ किए हैं. जन्नतुल फिरदौस का जो शेविंग सोप था वो हमने यूज़ किया था, मुझे काफ़ी पसंद आया था वो. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अबीर लश्कर जी ने जो कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने काफ़ी सारे अपडेट्स भी किए अपने प्रोडक्ट्स में, नई रेंज में भी लेके आए हैं प्रोडक्ट्स. और एक चीज आपको दिखा दूं कि उन्होंने सोप बेस को भी अपडेट किया है. नाउ इसको मैंने एक बार लादर किया था इसलिए थोड़े से सड्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक सॉफ्ट सोप बेस में भी अवेलेबल है. और ये नए सोप बेस के साथ में रेट्रो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस का ये शेविंग सोप हम आज टेस्ट करेंगे, आज यूज करेंगे, इनिशियल इंप्रेशन थोड़े से लेने की कोशिश करेंगे. बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं फेस लादरिंग. थोड़ा सा पानी चेहरे पे. फेस वॉश मैंने किया है पतंजलि के चारकोल फेस वॉश से, विच इज अ फॉर मी पर्सनली इट इज अ नॉन मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश. इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ ऑयल क्लियर फेस वॉश फॉर मी. ओके, सो अब मैं सोप जो है वो डायरेक्टली इससे कलेक्ट करूंगा. ओके, अबाउट 20 स्वर्ल्स जो मुझे लगता है इनफ होने चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो और सोप हम कलेक्ट कर लेंगे. लेट्स डू फेस लादरिंग. खुशबू मैं आपको इसके अगर बताऊं दोस्तों तो बार्बर शॉप के लाइंस में ही इसकी खुशबू है, बट इट इज नॉट लाइक द गोदरेज कूल मेंथॉल, उसके जैसी नहीं है एग्जैक्टली. बट उससे जो है यू नो काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव और डिस्टेंट रिलेटेड प्रोडक्ट आई वुड से, क्योंकि कुछ सिमिलरिटी जरूर मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेजर भी एक डिफरेंस है. इसमें एक मिंट जैसा नोट डेफिनेटली मुझे महसूस हो रहा है. माई नोज कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट. डेफिनेटली 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 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस प्रकार से कोई डेफिनेटली 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 हो गया. ओके, सो कूलिंग इफेक्ट इसमें है, अच्छा खासा कूलिंग इफेक्ट है. कूलिंग इफेक्ट जनरली दोस्तों मिंट ऑयल यानी पेपर मिंट ऑयल, स्पेयर मिंट ऑयल के कारण आता है या फिर मेंथॉल क्रिस्टल्स के कारण आता है. और वो पेपर मिंट और स्पेयर मिंट में भी एक्चुअली कूलिंग इफेक्ट होता है या मेंथॉल होता है. सो अगर आपको मेंथॉल की एलर्जी है, मतलब मेंथॉलेटेड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपके स्किन में रैशेस होते हैं, जलन होती है, बर्न होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप आ जाते हैं, तो फिर आपको मेंथोलेटेड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बिफोर गोइंग अहेड विद देम. लादर इज ऑफ थिन कंसिस्टेंसी, बबल्स इसके छोटे ही है, इट्स स्मॉल बबल्स, सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल. लेट्स सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द शेव हाउ दिस लादर बिहेव्स. ओके, आज की जो रेजर है वो प्रिस्टीन PS515 है, वन ऑफ द वेरी रिलायबल रेजर्स विच आई हैव यूज सो फार. इसका हेड अगर आप डिजाइन देखें तो काफी कुछ पर्ल के जो एंटीक ब्रास SSI 05 है उससे थोड़ा मिलता जुलता है. ओके, देन वर्गो से मिलता जुलता है, पिंक वुल्फ की क्लोज कोम से भी मिलता जुलता है. ओके, दिस रेजर इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट दोस्तों, एंड उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रिस्टीन का लोगो यहाँ पे है, एंड फॉर दैट मैटर मैं बताना भूल गया कि हमने ब्रश भी आज प्रिस्टीन का ही यूज किया है. ओके, ये इसका छुप गया यहाँ पे बट आज प्रिस्टीन का यूज किया है. प्रिस्टीन रुबाबमेन के जो ब्रशेस आते हैं
वो थोड़े बजट रेंज में काफी अच्छे परफॉर्म करने वाले मुझे लगते हैं। फॉर दैट मैटर अर्बन मूज के भी कुछ ब्रश आए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनको भी यूज करने की कोशिश करेंगे। ब्लेड में आज यूज कर रहा हूँ विल्किंसन स्वॉर्ड, माई ट्राइड एंड टेस्टेड ब्लेड, बट ऑन यूज नंबर टू। लेट्स डू फर्स्ट पास विद द ग्रीन। ऑलमोस्ट नो ब्लेड फील, बट इट इज शेविंग। एंड लास्ट टाइम जो है मैंने दोस्तों एक एफिशिएंट रेजर यूज किया था, रोमर 7 रिगालिया, उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एफिशिएंट रेजर्स के, एंड दैट्स व्हाई आई पर्पजफुली सिलेक्टेड अ रिलेटिवली माइल्डर रेजर टू फील द डिफरेंस एंड शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो आई कैन फील दैट डिफरेंस, दिस इज अ माइल्ड रेजर। ओके, तो ऐसा नहीं कि एफिशिएंट रेजर ही शेव करते हैं और स्मूथ रेजर शेव नहीं करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लेड कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, एंड समटाइम्स यू वांट मोर स्मूदर शेव्स देन एफिशिएंट। और अगर आपका यूज केस ऐसा है कि भी आपको रेगुलर शेव करनी है, बियर्ड आपकी बहुत ज्यादा हार्ड या कोर्स घनी डेंस नहीं आती है, तो फिर आप स्मूथ रेजर को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से ब्लेड उसमें इंसर्ट कर लीजिए, जैसे विल्किंसन स्वॉर्ड हो गया, इफ यू वांट अ बैलेंस ऑफ शार्पनेस एंड स्मूथनेस। फिर अगर आपको ज्यादा शार्पनेस चाहिए लेकिन स्मूथनेस के साथ बैलेंस चाहिए, तो 7 o'clock सुपर प्लेटिनम है। उसके बाद में 7 o'clock परमा शार्प स्टेनलेस है, स्टेटम लेजर अल्ट्रा, अल्ट्रा मैक्स बाय आर के स्टेनलेस, ये सब स्मूदर साइड पे आ गई। बिक्रोम प्लेटिनम फेदर जेंटलमैन जो है वो थोड़ी सी शार्पर साइड पे आ गई। ओके, नेसेट हो गया, परमा शार्प जो रशिया वाली है रेड और क्रीम कलर के पैकेट वाली, वो भी हल्की शार्पर साइड पे आएगी। सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस जो है दोस्तों, इट इज डेफिनेटली शार्पर, बट विल्किंसन स्वॉर्ड से थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगती है बस मुझे वो, बट मैनी पीपल लाइक इट ओवर 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ऑल्सो। इंडियन मेड शेवर्स में काफी डिस्कशन होते रहते हैं इस बारे में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेट्स टॉक अबाउट द स्लिकनेस। सो स्लिकनेस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी ग्लाइड है, बहुत अच्छी स्लिकनेस, रियली बहुत बढ़िया स्लिकनेस है। खुशबू जो है दोस्तों, अब मुझे ज्यादा करके जो मिंटी मिंटी स्मेल है वो आ रही है। आई कैन रिलेट इट टू बार्बर शॉप। ओके, बट बार्बर शॉप का कैसा ना दोस्तों जैसे हर एक का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस इज डिफरेंट। Some people would like to have more lavender in the barbershop fragrance. Some people would like to have a musk. Okay, some people would like to have a mint smells in the barbershop fragrance. Some people would like to have cologne kind of fragrances as barbershop fragrances. So, हर किसी का barbershop fragrance का idea उनके अपने imagination पे होता है. एंड यही तो मजा है, अगर सारे barber shop fragrances एक जैसे हो गए तो अलग अलग artisans से लेके shave करने में मतलब ही क्या रहेगा फिर, उससे कोई तो डिफरेंस तो होना चाहिए ना। ऐसे तो फॉरेन में भी बहुत सारे बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस वाले शेविंग सोप्स आते हैं, बहुत सारे, एंड रीजन वाइज भी दोस्तों बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस चेंज होता है। सम पीपल में फील दैट यार टैल्कम का जो फ्रेग्रेंस होता है दैट रिलेट्स टू बार्बर शॉप, सो पिनॉड क्लबमैन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस बार्बर शॉप रिलेटेड फ्रेग्रेंस। फिनॉट क्लबमैन की तो बेरम भी बहुत फेमस है, मैंने एक बनाई थी बेरम बीच में, बहुत क्लोज बनी थी फ्रेग्रेंस वाइज वो पिनॉट क्लबमैन के, यूज भी की मैंने काफी उसको, एंड देन आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू माई फ्रेंड्स एंड आई मेड विथ एक्चुअल इसेंशियल ऑयल ऑफ पिमेंटा रेसिमोसा एंड एक्चुअल सिनेमन स्टिक्स उसमें डाली थी, स्टार एनीज डाली थी, क्लोव डाली थी। आई थिंक मैंने पहले उसकी रेसिपी शेयर भी की थी।
फिर मैंने उसका सैंडलवुड वाला बैच भी बनाया था, वो भी काफी अच्छा बना था। ऑलराइट, सो स्लिकनेस, आई कैन स्टिल फील अ गुड लेवल ऑफ स्लिकनेस ऑन माई फेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लेड जो है सेकेंड यूज पे, आई थिंक सेकेंड यूज और थर्ड यूज, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लग रहा है सेकेंड यूज, बट थर्ड यूज भी हो सकता है। सो थोड़ा स्टबल छूटा है, नो वरीज, विल कवर दैट इन द पास नंबर टू। कूलिंग इफेक्ट अच्छा खासा चेहरे पे मौजूद है, विच आई लाइक। अभी जो है थोड़ा रेनी सीजन वगैरह शुरू हो गया है, सो ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो फिर थोड़ा मेंथोलेटेड प्रोडक्ट मुझे तो पर्सनली पसंद आते हैं। जितना शेविंग सोप ब्रश में है उतना ही पहले अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों अभी इंडियन वेट शेवर्स में हम काफी सारे गिव अवेज शुरू करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू यू नो बेसिकली फैसिलिटेट गुड रिव्यूज, गुड पोस्ट एक्सेट्रा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें। इनफैक्ट आई मीन इफ यू वांट टू ज्वाइन अ कम्युनिटी, ज्वाइन एनी ग्रुप। इंटरनेशनली बहुत सारे शेविंग ग्रुप्स है, शेव डैड एक बहुत अच्छा शेविंग ग्रुप है, जेरी प्लेसी करके जो है वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड बहुत अच्छा ग्रुप है वो इंटरनेशनल लेवल पे, रियली वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, बहुत बढ़िया है। पर आपकी जो मर्जी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन वेट शेवर्स की तो लिंक मैंने दे दी है, आप चाहें तो ज्वाइन करें, चाहे तो आप ऐसे वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए ओके, सो लेट्स डू अ पास नंबर टू। मेरे को इसके साथ नया ब्लेड यूज करना था, विल्किंसन सॉर्ड ऑन यूज नंबर टू। आई कुड हैव यूज्ड विद एन एफिशिएंट रेजर, विद दिस आई शुड हैव यूज्ड अ शार्पर ब्लेड, तो और ज्यादा मजा आता। ऐसा नहीं कि अभी शेव करने में मजा नहीं आ रहा, अभी भी काफी अच्छा फील हो रहा है, स्मूथ फील हो रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। और अगर मैं रोज शेविंग करूं तो मैं ये रेजर बिल्कुल प्रिफर करूंगा मेरी शेव्स के लिए। हाँ, ब्लेड में अलग अलग ट्राई करके जो है वो रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन का परफॉर्मेंस जरूर चेक करूंगा और उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा, लेकिन जितना मैंने इसको यूज किया है PS515 को, मैं ये तो असेस कर पाया हूँ मेरे लिए कि मैं इसको रेगुलर शेविंग के लिए यूज कर सकता हूँ। सेम गोज विथ योर पिंक वुल्फ क्लोज होम रेजर और योर वर्गो। अब इसमें वर्गो में क्या होता है, थोड़ा वेट ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसमें वेट ज्यादा होने से क्या होता है कि आपको प्रेशर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी बियर्ड हार्ड है, कोर से शार्प ब्लेड यूज कर रहे हो, तो फिर इन एनी केस आपको प्रेशर तो लगाना ही नहीं चाहिए कभी भी। बट एंड दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सिमिलर लुकिंग रेजर्स डू नॉट नेसेसरीली परफॉर्म द सेम। ओके, एक मिलीमीटर के 10वें हिस्से का भी अगर फर्क पड़ता है तो उससे शेव में फर्क पड़ सकता है। ओके okay? स्लिकनेस ऑफ दिस सोप इज वेरी गुड। सो चेहरा वॉश कर लेता हूँ और फिर बात करते हैं आगे। चेहरे को हम डैब ड्राई करेंगे। एंड आई कैन फील वेरी नाइस कूलिंग इफेक्ट, बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट है। स्किन ड्राई नहीं लग रही है बिल्कुल भी, एक्स्ट्रा ओवर मॉइस्चराइज भी नहीं लग रही है, बट ड्राई नहीं लग रही है। जैसे एक बजट शेविंग क्रीम को जब हम यूज करते हैं तो उससे हमें कोई ज्यादा स्लिकनेस या मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो उस केस में हमें ड्राई लगता है। बट या आई कैन फील दैट डिफरेंस व्हेन आई एम यूजिंग दिस शेविंग सोप। ओके, सो ये तो हमारी बात हो गई है शेव की। शेव अच्छी हुई, टू पासेस विद द ग्रेन, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत अच्छी क्लीन शेव मिली।
नॉट एक्सपेक्टिंग अ बीबीएस बट इट्स अ क्लीन लुक एंड आई एम कंफर्टेबल विथ इट. आफ्टर शेव एब्सोल्यूट जीरो, ओके, विच इज एन आफ्टर शेव एस्ट्रिंजेंट एंड फेस टोनर 100 ग्राम का है. नाउ ये पुराना पैकेजिंग है दोस्तों, कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज ने जो है वो अपना पैकेजिंग अपडेट किया है. आई जस्ट गिव इट अ क्विक ब्रिस्क एंड इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूं. ये पुराना पैकेजिंग है बट मेरे पास तो है ये प्रोडक्ट यार, तो अभी मैं यूज करूंगा इसको. अब इसमें क्या है, कोई वो स्टॉपर वगैरह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें थोड़ा सा थंब लगाऊंगा और थोड़ा सा लेने की कोशिश करूंगा, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट मच, मे बी 3-4 ड्रॉप्स और सो. एंड इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट या थिंक आई गॉट इट. This is also menthol punch. And I'm loving this. बहुत बढ़िया भाई, ये तो menthol का बाप है. menthol hit कर गया यार एकदम, इसमें इतना खतरनाक cooling effect है. And I guess that's why इसका नाम absolute zero रखा गया. ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे चेहरे को बर्फ से ढक लिया है. इट्स सो मच कूलिंग. सम पीपल विल फील इट स्लाइटली मोर बट इफ यू लाइक मेंथॉल देन या दिस इज रियली वेरी गुड. 2 मिनट, हाँ, आई जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक. बट दिस इज लाइक अ मेंथॉल बॉम्ब और इसका नाम बिल्कुल सही दिया गया है, एब्सोल्यूट जीरो, बिकॉज उसमें कूलिंग इफेक्ट इंटू 10 है. बट या नो ड्राइंग इफेक्ट, ओके, एस्ट्रिंजेंट के जैसा बिल्कुल लग रहा है, टोनिंग काइंड ऑफ बी इट इज प्रोवाइडिंग, सो आई एम लाइकिंग इट. ऑलराइट, सो नेमो शेविंग का रेट्रो बार्बर शॉप आर्टिजनल शेविंग सोप, स्लिकनेस अगर मैं कहूँ तो अबाउट 7 out of 10, फ्रेग्रेंस अगर मैं कहूँ तो अबाउट 6.5 out of 10, और ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे अराउंड अबाउट 7 out of 10 इसका परफॉर्मेंस लगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अपडेट हुआ है इसका सोप बेस एंड लादरिंग वगैरह जो है काफी अच्छा हुआ. बहुत ज्यादा फ्लफी लादर तो नहीं बना बट यस, आई कुड सी दैट द बबल्स वर स्मॉल एंड द लादर वाज नॉट डिसिपेटिंग. सेकेंड पास में भी जो है वो हमने देखा कि ब्रश में जो हमने सबसे पहले कलेक्ट किया था तो वही लादर काफी सफिशियंटली मौजूद था. सो ओवरऑल लव्ड दिस हाइपर मेंथोलेटेड एंड कूलिंग शेव, बहुत मजा आया. रेट्रो बार्बर शॉप नहीं, शेविंग सोप मुझे पर्सनली अच्छा लगा.